गाइज अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है हिंदू पंडित ने कहा मूर्ति पूजा गलत है। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर देखते हैं कि पंडित जी का क्या कहना है और देखेंगे रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं या ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्वामी अग्निवेश एक ऐसा भगवान है जो ग्लोबल वार्मिंग से पिघल जाता है लोगों की भावनाओं का। मैं क्या करूं, मैंने खुद देखा 2 साल पहले वो पूरा पिघल गया गर्मी से। एक तो ज्यादा तीर्थयात्री जाएंगे तो उसकी भी गर्मी होती है। क्या आज आपको लगता है, चाहे आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें या साईं बाबा की बात करें, इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए? परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा गलत है, और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है। राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं और मेरी पूजा की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है पाषाण है उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बिल्कुल निरर्थक है, अंधविश्वास है, पाखंड है, और ऐसा काम करना किसी भी व्यक्ति का और वो जगतगुरु कहलाएं ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी चीजें गलत है। मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहना चाहता हूं, यदि प्राण प्रतिष्ठा आप करने का दावा करते हैं तो बताइए वो वेद का कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा होती है। नंबर एक जी। वेद। दूसरी बात, उस प्राण प्रतिष्ठित राम की, कृष्ण की या किसी की भी देवता भगवान की मूर्ति जी प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद क्यों नहीं खाना पीना बोलना चलना शुरू करती? जरा प्राणवान होने का थोड़ा सा तो परिचय दे। वो आपने बता दिया वो प्राणवंत हो गई मूर्ति जी। अब उसके बाद आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी की और परमात्मा का अवतार पूजो जी ये कह करके चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू किया। ये एक दुकान है, व्यापार है, झूठ है, धोखा है। मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तोबा करेंगे तो। अगर आप तोबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियाँ भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करें आपका स्लेट क्लीन, मेरे तो स्लेट में तो काफ़ी चीज़ ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन, तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे?
आप उसके बताए हुए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होएगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकाम पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होएगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज़्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी। आपके मजहबी किताब में लिखा है छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अविद्वितीयम, खुदा एक है उसके अलावा कोई नहीं है, लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्रा नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्रा नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्रा नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पर कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते हैं भाई साहब? जी इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ मिलेगा आपको, किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूँ कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफल। गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। तो जैसे कि पंडित जी बोल रहे थे, पंडित जी बहुत अच्छी बात बोले कि यार जैसे कि बोला जाता है ठीक है कि मूर्तियों में हम प्राण डालते हैं, तो यार प्राण डालते हो तो यार जो मरे हुए हाँ उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, और जैसे कि प्रूफ मांग रहे थे वो खाना कैसे नहीं खाता, वो चलता कैसे नहीं है। पंडित जी बहुत सही बात बोले, और अगर आप मूर्तियों पे पूजा मतलब प्राण डाल सकते हो तो फिर मरे हुए इंसानों पे प्राण क्यों नहीं डाल सकते हो, ठीक है। और जैसे कि वेद की बात कर रहे थे पंडित जी की, वेद में कहीं भी लिखा होगा ऐसा चीजें तो मेरे को दिखाओ करके वो रेफरेंस मांगे, बहुत परफेक्ट बात बोले। अगर किसी को पता होगा तो आप जरूर रेफरेंस देना हमें भी कमेंट में, ताकि हम भी देखें ये चीज कितना लॉजिकल है या नहीं है। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने रेफरेंस दिए है तो वो तो खुलेआम बहुत सारी जगह पे यही रेफरेंस देते हैं, तो लोगों को जाके, और वो खुद बोल रहे हैं कि रिसर्च करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो लोगों को जाके रिसर्च करना चाहिए और देखना चाहिए कि धार्मिक किताबें हमें यही बताती है कि जो हमारा जो क्रिएटर है उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मतलब उसको कैसे आप कोई देखा ही नहीं है तो कैसे उसको तस्वीर बना सकते हैं। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।